मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि भाजपा दंगा करा सकती है। उनके इस बयान पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव ने जवाब दिया कि जिनके दिमाग में दंगे हैं वह क्या कहेंगे, उनको दंगे की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। आप खुद देख लीजिए दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कितने दंगे हुए थे, लेकिन भाजपा के 20 साल के शासन में कोई दंगा नहीं हुआ है।